नमस्कार। अरे हमरा नाम है दर्पण श्रीवास्तवा और आप हमरा के साथ जुड़ चुके हैं। अरे अपना चैनल भाई फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज का मुद्दा पर बात करते हैं। करें, अब बता दीजिए करें कि नहीं करें। हाँ करें ना, हाँ तो करते हैं। तो दोस्तों आज का मुद्दा जो है वो है पैसा। एक टीवी सीरियल में कम से कम एक आर्टिस्ट को कितना पैसा मिलता है, ये आप सबके दिमाग में घूमता रहता होगा। डेफिनेटली आप काम करते हैं, आप एज एन आर्टिस्ट काम अगर करना चाह रहे हैं, अगर करते हैं, तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी कि भाई मैं कमाऊंगा कितना। क्योंकि आर्टिस्ट का भी पेट होता है भाई, और आर्टिस्ट का भी घर होता है, उसको भी घर चलाना होता है। तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई कितनी कमाई होती है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी बात पर है। आपने जब भी आप कभी टीवी देखते हैं, जब भी आप कभी सीरियल्स देखते हैं, कोई भी सीरियल उठा के देख लो, तो कई बार उन सीरियल्स में शादी का सीन होता है, या किसी मैयत का सीन होता है, या किसी की पार्टी का सीन होता है, रोड के सीन्स होते हैं। मतलब हीरो दौड़ रहा है तो हीरोइन भी दौड़ रही है, वो किसी चाय की दुकान में रुक गई तो फिर वहाँ पीछे छुप गई, मतलब इस तरह के काफ़ी सीन्स होते हैं। तो जो उन हीरो हीरोइन के अलावा जो आर्टिस्ट होते हैं, जो उस जगह को भरते हैं, मतलब अगर आप देखें कि शादी का सीक्वेंस है, तो आपने देखा होगा कि पार्टी में काफ़ी लोग होते हैं, जो कोई पैग लेके घूम रहा है, तो कोई मतलब कोई लड़की इधर जा रही है तो कोई लड़का उधर जा रहा है। तो काफ़ी सारे जो मेहमान होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं जूनियर आर्टिस्ट। हम उन्हें जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं, और उनको एक शिफ्ट का पैसा जो मिलता है, आपने देखा होगा कि वो कोई खास डायलॉग नहीं बोलते। कभी कभार इक्का दुक्का वो डायलॉग बोलते हैं, और उसके बाद मोस्टली वो जो माहौल होता है वो माहौल को क्रिएट करते हैं। आसपास सराउंडिंग जो होता है उनका काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं, भरे रहते हैं, मतलब पूरे चारों तरफ वो आर्टिस्ट। तो उन आर्टिस्ट को एक शिफ्ट का, लड़कियों को 1150 रुपये मिलते हैं और लड़कों को 1050। और नॉर्मली एक जूनियर आर्टिस्ट डेढ़ शिफ्ट काम कर लेता है, कुछ तो दो शिफ्ट भी काम करते हैं, यानी आप लगा लीजिए डेढ़ शिफ्ट का पैसा कितना हो गया, एक शिफ्ट का 1000 और आधी शिफ्ट का 500, तो मतलब 1500-1600 रुपये वो एक दिन में कमा लेते हैं। और जूनियर आर्टिस्ट लगातार बिजी होते हैं, बिकॉज सीरियल्स में आपने देखा होगा कि अक्सर कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीरियल में कोई पार्टी और शादी का सीक्वेंस, कोई ना कोई ऐसा सीन होता है जिसमें काफ़ी सारे लोग दिखाई देते हैं आपको, वो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, तो वो अक्सर बिजी रहते हैं। मैंने उदाहरण इसलिए दिया जूनियर आर्टिस्ट का कि पैसा कितना मिलता है, तो शुरुआत यहीं से हो जाती है। अब आते हैं हम आर्टिस्ट पे। कोई आर्टिस्ट, कोई भी एक्टर, कोई भी कलाकार जब इस इंडस्ट्री में आता है, जब वो शुरुआत करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसको छोटा मोटा रोल मिलता है, कोई एक सीन का डायलॉग मिल गया। मान लो कोई लड़की है जिसे हॉस्पिटल में एक नर्स का रोल मिल गया और उसको एक छोटा सा डायलॉग मिल गया। उसने डॉक्टर को आके बोलना है कि डॉक्टर साहब वो मरीज की हालत बहुत ख़राब है, आप प्लीज़ चलिए, इतना सा उसने बोला। और हो सकता है उसको सुबह 9 बजे की शिफ्ट में बुलाया गया और उसका 12-1 बजे तक काम ख़त्म हो गया हो, या हो सकता है वो 9 से लेके रात के 9 बजे तक काम करे और वो एक डायलॉग बोले और एक ही सीन उसका रहे। तो एक सीन का अगर उसने काम किया तो कम से कम इस इंडस्ट्री में उसे आज की डेट में 2 से 2500 रुपए मिल जाते हैं, है ना कमाल, 2 से 2500 रुपए। और चलो माना कि कोई आर्टिस्ट, किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने अगर किसी आर्टिस्ट को लिया है वो एक सीन के लिए, तो वो अपना परसेंटेज, अपने वो कमीशन रखता भी है 20%। तो आप लगा लो 1000 रुपए में से उसने 20% ले लिया, तब भी 2000 में से या 2500 में से जो भी 20% उसने लिया, तब भी आपने अच्छा खासा कमा लिया। तो एक दिन का कम से कम एक आर्टिस्ट को 2 से 2500 रुपये मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी आर्टिस्ट को ये बोल सकते हैं कि भैया कम में काम कर लो, 1000 रुपये में काम कर लो, लेकिन नॉर्मली
2,500 रुपये मिल जाते हैं। अब आते हैं हम जो आर्टिस्ट मान लो आपने शुरुआत करी, आपने पहले कभी एक सीन किया, फिर दो सीन किया, फिर आपको 4-5 एपिसोड का काम मिल गया, तो फिर आपसे कहा गया कि भाई 5 एपिसोड का काम है, आपको एग्रीमेंट साइन करना होगा। तो आप ये दिमाग में रखिए कि कम से कम 3,500-4,000 रुपये, इतना तो नॉर्मली मिल जाता है यार। अगर अच्छे आर्टिस्ट हो और आपने अच्छा काम किया है पहले, तो शायद मतलब 3,500-4,000 रुपये मिलेगा। तो आप लगा लो 5 दिन का काम आपने किया, 5 एपिसोड का काम किया, 10 दिन का काम कर लिया, तो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो जाते हैं, जब आपको काम मिलने लग जाता है, जब आप एक सफल कलाकार की श्रेणी में आ जाते हैं, जब आपको लोग पहचानने लगते हैं, जब आपके काम को लोग सैल्यूट करने लगते हैं, तो एक बात जान लीजिए, इस इंडस्ट्री में आपके काम की कदर है, आपके काम के अनुसार आपका पैसा बढ़ता जाता है। अगर आपने मान लो कोई सीरियल में आप कास्ट हो गए, जो सीरियल मान लो 1-1.5 साल चलने वाला है, और आपने आपने कोई अच्छे रोल में आपकी एंट्री हो गई है, तो आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि भाई ये शो 1 साल चलेगा, तो 1 साल तक आपको काम करना पड़ेगा, इतने दिन आपके ब्लॉक हैं, इतना पैसा आपको मिलेगा। तब आपको वो पैसा कम से कम 90 दिन बाद मिलता है, ये बात ध्यान में रखें। एग्रीमेंट ऐसे ही होता है नॉर्मली 90 डेज और 60 डेज। 60 डेज तो नॉर्मली नहीं, 90 डेज तक पैसा मिलता है। तो कोई भी कलाकार यहाँ काम करता है तो उसको 90 दिन के बाद पेमेंट होती है। तो 90 दिन तक आपको आपकी रोलिंग चलानी होती है, लेकिन उसके बाद ये होता है जब आपका शो ख़त्म होता है तो उसके 90 दिन तक पेमेंट आती भी रहती है। तो ये बात ध्यान में रखें कि हाँ, जो पर डे पे काम करते हैं, मतलब जो आपने 1 दिन का काम किया या 2 दिन का काम किया या 4 दिन का काम किया, और आप सेंटा के मेंबर हैं, आपने कार्ड बनवा रखा है सेंटा का, तो ये रूल है कि वो पैसा आपको 7 दिनों के अंदर मिल जाता है। अगर आपने कोई काम किया 2 दिन का, तो आप उनसे कह दें कि भाई मैं 2 दिन का काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा पेमेंट आप पहले करवा दें, तो नॉर्मली वो हफ्ते भर में 10 दिन में हो जाता है, अगर आप सेंटा के मेंबर हैं, अगर आप कार्ड रखते हैं, जो आर्टिस्ट कार्ड बनता है वो। और अगर कार्ड नहीं है तो डेफिनेटली फिर वो लोग थोड़ा डिले करते हैं, हो सकता है आपको 1 महीने बाद पेमेंट करें, 2 महीने बाद करें, लेकिन पैसा मिल जाता है। हमारी इंडस्ट्री में एक सबसे अच्छी बात है, बहुत कम ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं, बहुत ही कम ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो किसी का पैसा मारते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में ये अच्छी बात है कि अगर आप काम करते हैं तो आपका पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। तो बात समझ में आई कि कितना पैसा मिलता है। तो आप लगा लीजिए, अगर आप किसी अच्छे खासे सीरियल में कास्ट हो गए, जो आप 15 दिन महीने में काम कर रहे हैं, तो लगा लीजिए अगर 5,000 रुपये पर डे पर भी आपने काम किया, तो भैया कितना पैसा हो गया। अरे भैया बहुत सारा पैसा हो गया। हाँ, पैसा हो तो गया, लेकिन इतना आसान नहीं है यहाँ इंडस्ट्री में आके अपने आप को एस्टैब्लिश करना। मैं जब आपके जब सवाल सुनता हूँ या सवाल देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार कैसे, मतलब कितना आसान समझ लिया है आप लोगों ने। दोस्तों, ये आसान नहीं है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, 10 बार कहूँगा, 100 बार कहूँगा। 100 लोग यहाँ उतरते होंगे तो मुश्किल से 3, 2, 4 सफल होते होंगे, बाकी सब अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। आसान नहीं है इस इंडस्ट्री में काम पाना, कामयाब होना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत है, आसान नहीं है। तो यह बात ध्यान में रखें। हाँ, अगर पैशन है, अगर जज्बा है कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, तो आप भूल जाइए कि कितना मिलेगा, क्या होगा, सिर्फ मेहनत कीजिए। एज एन आर्टिस्ट अपने आप को प्रूव कीजिए। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आपको हाथों हाथ लेगी। बहुत से लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं और जुड़ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं आपको अपना एक ईमेल आईडी दे दूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है। मैं कुछ लाइन इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो ऑडिशन स्क्रिप्ट है,
लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, तो दोनों आप प्लीज़ याद करें, लड़कियां भी याद करें, लड़के भी याद करें। और जो ये ईमेल आईडी है इस पे आप मुझे अपने वीडियोस मेल कर दें, फिर हम और आप मिलके ये डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ तक ठीक हैं। मैं आपके वीडियोस देखूँगा, मुझे लगता है कि अगर कुछ कमी है तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊँगा कि आप कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं। तो ये शायद अच्छा रहेगा, अच्छा मूव रहेगा, हमारा और आपका जो मकसद है वो शायद थोड़ा थोड़ा आसान हो जाए। दूसरी बात, आप हमेशा मुझसे मेरा बार बार मेरा मोबाइल नंबर पूछते हैं। भाई माफ़ कर दो भाई, मेरा नंबर मत मांगो, कुछ तो मेरे पास मेरी चीज़ें रहने दो मेरे भाई। जो आपको परेशानी है, जो भी आप चाहते हैं मुझसे पूछना, प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं आपके साथ हूँ, ये बात याद रखिए। और कोई भी कदम उठाएं तो सोच समझ के उठाएं, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। जो भी काम करें अपने माँ बाप अपने परिवार के साथ पूछकर, उनसे सलाह मशवरा करके आप करें। मैं भी आपका परिवार हूँ, मुझसे पूछें क्या करना है क्या नहीं करना है। आई एम श्योर रास्ते आसान होंगे, रास्तों को क्रिटिकल मत बनाइए। प्लीज़ मुझसे मेरा मोबाइल नंबर ना मांगें। हाँ, ऑडिशन के लिए पैसे नहीं देने हैं। आप लोगों ने काफ़ी सारे मुझसे कई बार मुझसे पूछा है, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऑडिशन के लिए पैसे नहीं देने होते हैं। इस बार अगर कभी दिल्ली में कुछ ऑडिशन हुए और अगर आप लोग जो मुझे वीडियो भेजेंगे, अगर मुझे लगता है कि आप में से कोई वहाँ तक जाने के लिए काबिल है, तो मैं आपको बताऊँगा कि दिल्ली में कहाँ आपको ऑडिशन देना है। जिस शहर में आप रहते हैं और वहाँ अगर कभी ऑडिशन होते हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे हो रहे हैं, क्या करना है। लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा सा वीडियो बना के मेरी जो लाइंस मैंने आपको दी हैं उसको आपको मुझे मेल करना होगा, राइट सर। चलिए आज का मुद्दा ख़त्म करते हैं, अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ हम मिलेंगे भाई, पक्का मिलेंगे यार, देखते रहिए, एक दिन हम और तुम मिला के ऐसा डंका बजाएंगे भाई कि दुनिया देखेगी। और हाँ, वो क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो छोटा सा घंटी बजाए ना टन टन दबा दीजिए, अरे बहुत सारा शेयर कीजिए, हमारा हिम्मत बढ़ाइए, हम तुम्हारा हिम्मत बढ़ाऊंगा और देखो क्या क्या गुल खिलाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।